Dr. Sunita Sahis, and I'm faculty of Swasthya Kalyan Institute of Naturopathy and Yogic Sciences. आज जो है हम हाइड्रोथेरेपी के जो ट्रीटमेंट है भाप स्नान स्टीम बार इसके बारे में जो है हम जानेंगे कि कैसे जो है इसको लिया जाता है, कैसे जो है आप अपने घर पर भी जो है इसको ले सकते हैं। आजकल जो है ऑनलाइन अवेलेबल होता है स्टीम का जो कैबिन है, और आप जो है प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर भी जो है इसको ले सकते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी है तो थेरेपेटिक तरीके से भी भाप स्नान लिया जाता है, और अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो भी जो है आप भाप स्नान ले सकते हैं। ये जो भाप स्नान होता है ये क्या काम करता है, ये आपके शरीर में इकट्ठे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर से बाहर नहीं निकलते, या फिर जिनके शरीर से पसीना बाहर नहीं निकलता, क्योंकि जो पसीना होता है ये आपके शरीर से जो अपशिष्ट या फिर विषैले पदार्थ होते हैं जो शरीर के अंदर जमा होते हैं ये शरीर से बाहर निकालते हैं। तो हम भाप स्नान के थ्रू जो है क्या करते हैं, यही प्रोसीजर अपनाते हैं जिससे स्वेटिंग जो होता है ये बढ़ जाता है, क्योंकि पोर्स क्या होते हैं ओपन होते हैं और स्वेटिंग्स को ये बढ़ा देता है। तो आपके शरीर में जो इकट्ठा हुए जो अपशिष्ट या फिर विषैले पदार्थ होते हैं ये शरीर से जो है पसीने के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो बहुत सारी चीजों में जो है इसके फायदे हैं, ये हम आगे अभी आपको बताएंगे। और इसको जो है प्रोसीजर या फिर इसका जो प्रैक्टिकल दिखाने से पहले इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जैसे हम पेशेंट को स्टीम बाथ दें या भाप स्नान दें, उससे पहले जो है पेशेंट को हमें इसके बारे में जो है अवगत कराना चाहिए कि हम कैसे जो है किस तरीके से उनको देने वाले हैं और उसका क्या फायदा होता है। तो ये हम प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाएंगे। और इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 10 to 15 मिनट्स का होता है। तो अभी जो है हम आगे देखते हैं कि कैसे जो है इसको लिया जाता है, क्या क्या चीजें जो है जरूरत होती है हमें भाप स्नान लेने के लिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे जो है भाप स्नान लेते हैं, कैसे इसकी तैयारी की जाती है, उसके लिए किन चीजों की हमें जरूरत होती है वो एक बार हम देखते हैं। तो भाप स्नान लेने के लिए जो हमारे लिए बहुत जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है स्टीम का कैबिन। तो ये जो है स्टीम का कैबिन है, एक जो है प्रेशर कुकर होता है, इसमें जो है पानी भरा जाता है, हाफ फील करते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल है ये। आप चाहे तो पहले के टाइम पे जो है कुकर का जो है लीक निकाल करके उसी में डायरेक्ट जो है गैस से भी गर्म किया जाता है, पर ये जो है इलेक्ट्रिकल है। तो इसमें पानी भरते हैं और इसका जो है एक पाइप है वो एक इस कुकर से लगा हुआ है और दूसरा जो है इस कैबिन के अंदर फिट किया गया है। यहाँ से जो है आप ऑन एंड ऑफ जो है या फिर कम ज्यादा जब अगर पेशेंट को लग रहा है तब आप उसको कर सकते हैं। इसमें पानी भरेंगे तो देने से 20 मिनट पहले जो है इसको शुरू किया जाता है। जैसे ही पानी बॉईल होने लगेगा स्टीम बनेगा और वो स्टीम जो है इस कैबिन के अंदर आता है। जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं जब हम इसमें स्टीम डाल रहे हैं तो ये जो है कैप होता है इसका बंद होना चाहिए ताकि स्टीम है ये बाहर ना निकले और कैबिन के अंदर जो है स्टीम भर जाए। इस कैबिन को देखते हैं, इसके अंदर जो है एक चेयर रखा गया है बड़ा वाला स्टूल और दूसरा जो है छोटा वाला स्टूल जो फुट रेस्ट है उसको मतलब पैरों को नीचे रखने के लिए जो है रखा गया है। जब इसमें स्टीम फील हो जाएगा तब जो है हम पेशेंट को इसके अंदर भेजते हैं। और उसके लिए जो है हमें एक टॉवल की जरूरत पड़ती है, एक छोटा जो है हैंकी है जिसको हम गीला करके जो है सिर पर रखते हैं। स्टीम देने से पहले जो है हमें पेशेंट का जो है वाइटल्स जो है हमें लेना है ताकि उनका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ाना हो, पल्स रेट हार्ट रेट सभी नॉर्मल हो, क्योंकि जैसे ही वो जाता है स्वेटिंग बढ़ती है भाप के कांटेक्ट में आता है तो हार्ट रेट पल्स रेट ये और उसका जो पर्सपिरेशन है ये बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें देने से पहले जो है उनका वाइटल्स जो है चेक करना है। सबसे पहले जो है हमें जो पेशेंट जिनको चाहे पेशेंट हो या नॉर्मल पर्सन हो जिनको हम स्टीम दे रहे हैं उनको एक गिलास जो है हम ठंडा पानी पिलाएंगे। उसके बाद जो है उनको स्टीम के अंदर भेजेंगे, स्टीम चैम्बर के अंदर भेजेंगे। अभी डेमो के लिए हम दिखा रहे हैं कि कैसे लेते हैं। जब एक्चुअल में जो है पेशेंट को या किसी भी पर्सन को स्टीम दिया जाता है तो मिनिमम क्लॉथ का जो है यूज किया जाता है, कम से कम जो है कपड़े होने चाहिए ताकि स्टीम जो है अच्छे से पूरे शरीर पे जो है मिले और स्वेटिंग जो है अच्छे से पूरे शरीर से हो। तो अभी जो है हम इनको स्टीम के अंदर स्टीम कैबिन के अंदर दिखा देंगे। कैप को हटा देंगे और कैबिन को बंद कर देंगे। इसके बाद जो ये बड़ा वाला टॉवल है इसको हम साइड से जो है ढक देंगे ताकि
स्टिंग है, ये साइड से जो होल है उससे बाहर ना निकले। इस तरीके से जो है इसको ढक देंगे। फिर इस टॉवल को जो है गीला करके इसको जो है सिर पर रखेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए जो है इनको हम छोड़ देंगे। बीच बीच में जो है हम इनसे पूछते रहेंगे कि अगर ये ज़्यादा लग रही है तो हम यहाँ से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 10 से 15 मिनट के लिए हम देखेंगे। स्टीम जो है या फिर भाप जो स्नान है ये पूरा हो गया, ये हम कैसे देखेंगे, जब इनके माथे पर जो है पसीना आने लगेगा, चेहरे पर जो है पसीना दिखने लगेगा, तो हम जो है इनको स्टीम से बाहर निकाल देंगे। तो ये स्टीम देने का प्रोसीजर होता है। अब जानते हैं इसके फ़ायदे, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो जितने भी स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, सोरियसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, तो उसके लिए जो है आप भाप स्नान ले सकते हैं। अगर किसी को वेट लॉस करना है, ओबेसिटी है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, प्रॉपर जो है स्वेटिंग नहीं होती है, स्पोर्ट्स ब्लॉक है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। किसी को जो है जॉइंट्स में पेन रहता है या फिर बैक में पेन है या आर्थराइटिस वाले हैं, तो उनके लिए भी जो है भाप स्नान काफ़ी अच्छा होता है। ये तो थे इसके फ़ायदे। अभी किसको जो है ये नहीं लेना है, अगर स्किन में किसी भी तरह का गुंड है तो उनको जो है नहीं लेना है, या फिर बीपी बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा तो उस कंडीशन में जो है हमें ये नहीं लेना है, या किसी कोई एनीमिक पेशेंट है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है या फिर चक्कर आ रहा है, तो उनको जो है ये नहीं लेना है। तो ये जो है स्टीम के फ़ायदे हैं। तो आप जो है अगर घर पे आपके अवेलेबल है तो आप स्टीम बाद घर पे भी ले सकते हैं, या फिर किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर आप भाप स्नान जो है ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो है टॉवल गर्म हो रहा है, तो आप जो है और थोड़ा सा पानी जो है सिर पे डाल सकते हैं, जिससे ये टॉवल जो है गीला हो जाएगा। फिर आफ्टर 15 मिनट्स या फिर फेस पर या फोरहेड पर अगर स्वेटिंग हो रही है तो आपको जो है आप समझिए आपका भाप स्नान जो है पूरा हो गया है। फिर आपको क्या करना है, पेशेंट्स को जो है इस कैबिन से बाहर निकाल देना है। आपको स्टीम का जो स्विच है उसको ऑफ करना है, कैबिन को खोल करके जो है स्टीम को बाहर निकालना है। बाहर आ जाने के बाद तुरंत जो है शावर नहीं लेना है या फिर बाथ नहीं लेना है, थोड़ी देर जो है रिलैक्स करना है, उसके बाद जो है इनको ठंडे शावर से जो है शावर लेना है, जिससे इनकी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाएगी, स्वेटिंग भी जो है नॉर्मलाइज हो जाएगी।